हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज का ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनकी कि ब्रेस्ट अंडर डेवलप्ड है, जो अपने ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर जिनके ब्रेस्ट जो है वो सैगिंग हो गए हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में ब्रेस्ट से संबंधित, उसके डेवलपमेंट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की थी और कुछ मेडिसिन के बारे में भी आपको बताया है, तो वहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी लड़कियों के ये क्वेश्चन लगातार आ रहे थे कि मैम, क्या हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो मसाज कर रहे हैं उसमें मसाज का कितना इम्पोर्टेंस है, और हम ये जो सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर जो है, क्या हम किसी और ऑयल में मिक्स करके मिला सकते हैं या फिर किसी क्रीम के साथ में मिला सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग करने में उनको कई बार जो है प्रॉब्लम होती है कि कितने ड्रॉप्स डालें, कैसे इसे यूज़ करें, तो क्या हम इसे पहले से बना के रख लें। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ जिनमें पहले से ये मेडिसिन जो है वो मिक्स होती है। आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना, जस्ट आपके ब्रेस्ट पे दो दिन में दो बार आपको ये अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अंडर डेवलप ब्रेस्ट के लिए जो पहली क्रीम मैं अपने पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ वो है सनी हर्बल्स की बी शेप क्रीम। ये जो क्रीम है ये आपके ब्रेस्ट को फॉर्म करने के लिए और उसको सही शेप देने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी क्रीम रहती है। ये साथ में जो आपके माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस मेडिसिन के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें सेबल सेरुलेटा, चीमा फिला, साइपर रोट, वीट जर्म ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल और इसके साथ में इसमें दसमूल और इसके साथ एस्पर्जिन रेसिमोसा, तो इस तरीके की कुछ मेडिसिन इसके अंदर मिली हुई हैं। तो इस क्रीम को आपको दिन में दो बार यूज़ करना है, सुबह आपको नहाने के बाद ये क्रीम लगाना है और रात में सोने के पहले ये क्रीम आपको लगाना है। तो इसे लगाने के लिए आप अपने हाथों में क्रीम ले लेंगे और आपकी जो ब्रेस्ट है उस पर गोलाकार मोशन में ऊपर की तरफ उठाते हुए आपको ये क्रीम लगानी है। तो इससे क्या होगा, जो कि आपके अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट होगा, तो और साथ में जो सैगिंग की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 3 से 4 महीने आप इस क्रीम का रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें काफ़ी फर्मनेस आ रही है, आपका शेप है वो अच्छा हो रहा है। तो ये क्रीम आपके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ। तो वो लोग जिनको कि मदर टिंचर लगाने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो मदर टिंचर को मिक्स कर करके बार बार नहीं लगाना चाहते, तो उन लोगों के लिए ये क्रीम एक अच्छा ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 330 रुपीज़ की क्रीम है एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह से आपको अवेलेबल हो सकती है। तो जो भी लोग ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो इस क्रीम से मसाज करेंगे तो उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड, दूसरी क्रीम में जो सबसे ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ वो है ईव्स की टोनिंग क्रीम। ये वाली जो क्रीम है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, 920 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये भी क्रीम जो है वो सेम काम करती है, मतलब कि ब्रेस्ट को फॉर्म करने के लिए, ब्रेस्ट की मसल टोन को इंक्रीज़ करने के लिए और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, साथ में इसको अपलिफ्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी क्रीम रहती है। तो इस क्रीम को भी आपको जो है दिन में दो बार लगाना है, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले आप ये क्रीम लगाएंगे। इसमें अगर मेडिसिंस की बात करें तो एविना सटाइवा, फ्यूनिकुलम वल्गर, ट्रेगेनोला फ्रेनम ग्रेसम, ह्यूमिलस ल्यूपिलस, सेरिनियो सेरुलाटा, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एप्रिकॉट ऑयल है। तो फ्रेंड्स, ये क्रीम भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने अंडर डेवलप ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन क्रीम से आप अपने ब्रेस्ट पर मसाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको साथ में जो होम्योपैथी मेडिसिन बताई गई हैं वो भी लेनी है। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डॉक्टर आपको कुछ और मेडिसिन रिकमेंड करें, तो मेडिसिन आपको डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही लेनी है। मसाज के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें कि सभी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, और साथ में आपको जो है आपकी ब्रेस्ट पे दिन में दो बार जो है मसाज करनी है। कई लोगों ने ये भी पूछा है कि कितनी देर तक मसाज करनी है, तो लगभग 10 मिनट तक आपको है जो आपकी ब्रेस्ट है उसको गोलाकार मोशन में ऊपर की तरफ उठाते हुए ब्रेस्ट पे मसाज करनी है।
तो आप अपनी मर्जी अनुसार कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो सेबल सेरुलटम मदर टिंचर का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैंने मेरी प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं। लेकिन मसाज आपको ज़रूर करनी है, इससे जो आपके जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें आपको इफेक्टिवली विजिबल आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।